मौजूदगी बताओ तो सोई महफिल में जान आ जाएगी, जरा नारे हैदरी लगाओ तो जरा नारे हैदरी लगाओ तो। अली अली मौला अली अली ईमान हो वही हाथ उठा लो भाई। मेरा तो ईमान है, मेरा तो ईमान है मौला अली। किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई किस बात पे तुम्हारा ईमान है? हेलो, रहने दो भाई। किसी ने अगर पूछ लिया कि किस बात पे तुम्हारा ईमान है तो क्या जवाब दो? मेरा तो ईमान है मौला अली, मैंने तो कह दिया इसलिए कह दिया। बोलता
कुरान है मौला अली, बोलता कुरान है मौला अली। सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, सवालियों की सदाकत असीर हो जाए, सवालियों की सदाकत असीर हो जाए। लूटने दो अपने ही बच्चे, कोई बात सखी के माल में सबका हिस्सा। बेटा जो तुम्हारे हाथ में नीचे आए वो तुम्हारे, ऊपर आए वो हमारे। ठीक, डन डन। मौला अली अली, मौला अली अली। असीर हो जाए, सवालियों की सदाकत 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 असीर हो जाए। अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये दो मिसरे सिवनी वालों के लिए हो सकते हैं। ये जितने शाह तवंगर दिखाई देते हैं, 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 ये जितने शोएब भाई, नदीम भाई, नवल भाई, चलो कोई बात नहीं, इतने सारे नवाबों में एक ही काफी है, वैसे तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी एक आ जाए काफी है। दो चार प्लॉट लिखवा लूंगा ये मिस्र पे तुमसे। जमी पे रह के भी वो आफताब होता है, जमी पे रह के भी वो आफताब होता है, जमी पे रह के भी वो आफताब होता है, जमी पे रह के भी वो आफताब होता है, जमी पे रह के भी वो आफताब होता है, जमी पे रह के भी वो आफताब होता है। अली के चाहने वाला नवाब हो। ये जितने शाहों तवंगर दिखाई देते हैं, मेरे हुसैन के नौकर दिखाई देते हैं। बात हुसैन की आ गई मेरे भाई। ए बेटा बेटा, कुछ लोग मेरे पास आए और आकर कहने लगे अनीस भाई आओ दीन की बात करें।
बेहतरीन टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामा सब कुछ पहना था। उन्होंने बोलना शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया। वो कहने लगे फजर की नमाज की है, फजीलत जोहर की है, सर की मग। मैंने कहा रुक जा मेरे भाई, तूने कहा दीन की बात करें, दीन की बात कर, अभी तो नमाज की बात ना कर। बोले मैं नमाज की नहीं दीन की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा तू दीन की बात करता तो सबसे पहले कहता लब्बैक या हुसैन। वो बोले ना दीन हुसैन नहीं है। मैंने कहा तू होता बड़ा तो तेरी मान लेता, लेकिन ये मेरे ख्वाजा ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। फिर भी वो कहने लगा ना दीन हुसैन नहीं है, मैं भी अली का खाता अली का गाता। मैंने भी कह दिया दीन के गद्दार अली 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 ज्यादा चाहे कुर्ता पजामा पहने, पैंट शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, कोई भी लिबास पहने, सैयद सैयद ही रहने वाला है। कपड़े बदलने से कास्ट नहीं बदल जाता, लेकिन बहुत से लोगों के पेट में दुखता है, क्योंकि चाहे एक साल का सैयद ज्यादा हो, दस साल का हो, पचास साल का हो, कि सौ साल का हो, हम हर सैयद को सरकार ही कहते हैं, क्योंकि आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप है ने नूर, तुम्हारा सब घराना नूर का, नूर का टुकड़ा नूर होता है, वही बोल रहा हूं मैं। इसलिए क्या है कि अब इन्होंने अगर टी शर्ट और पैंट पहनी है तो कहीं इनकी कास्ट नहीं बदल जाएगी। लेकिन बहुत से लोग लो यार इन्होंने पैंट शर्ट पहना है तो भी इनको सरकार कह रहे हैं। चार मिसरे, दहलीज है जहरा की जिसे कहते हैं जन्नत, इस घर के हर एक फर्द को सरकार कहेंगे। मुफ्ती हो, आलिम हो, मुहद्दिस या मुफस्सिर, हम आल के गद्दार को गद्दार कहेंगे। करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। खुदा जाने तेरी नमाज कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। उस पार से इस पार बुलाऊं काली को, बुलाऊं काली को।
उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, दुश्मन हक है फजीलत नहीं मिलने वाली, दुश्मन हक है फजीलत नहीं मिलने वाली, सजदे करते हुए काबे में भी मर जाए अगर बुग़्ज़े हैदर है तो जन्नत नहीं मिलने वाली। भैया हर साल 13 रजब आता है भैया, ओ हर साल 13 रजब आती है, हर साल सऊदी हुकूमत बड़े बड़े इंजीनियर बुलाती है और बुला के कहती है कि काबे में जो लकीर है इसे मिटा दो। इंजीनियर कहते हैं कि जो 1500 साल में न मिटी हो वो 15 दिन में कैसे मिट जाएगी, है ना। अब सऊदी हुकूमत अड़ी हुई है, कुछ भी करो लकीर मिटा दो। चार मिसल, क्या किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, क्या किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला का काम न रोको वली ना जाए, विला का काम न रोको वली ना जाए, विला का काम न रोको वली ना जाए, मिटाते रहते हो काबे की इस लकीर को तुम, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना जाए, विला का काम न रोको वली ना जाए, विला का काम न रोको वली ना जाए, मिटाते रहते हो काबे की इस लकीर को तुम, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना जाए, की कसम से। बात पैसे की नहीं है, मेरे मौला का नाम, ये नाम मेरी जिंदगी है, ये नाम अगर मेरी जिंदगी से निकल जाए मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। आप लोगों ने मूड बना दिया, मिस्र सुनते जाओ मेरी जान। मौला अली अली मौला, हाँ हाँ बेफिक्र, मौत के डर से इश्के अली छोड़ दे, मौत से इश्के अली छोड़ दे, मौत के डर से इश्के अली छोड़ दे, मौत के डर से इश्के अली छोड़ दे, इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे, का तोहफा बस उसको मिलेगी गमे शब्बीर की दौलत, बस उसको मिलेगी गमे शब्बीर की दौलत, हुसैन की याद में रोना क्योंकि गमे हुसैन के आंसू जिन्हें हुए हासिल, निजात बन के हमारी ये मुस्कुराते हैं और फरिश्ते लेके नशकों को अपने दामन में, मदीना होते हुए करबला को जाते हैं, पीर की दौलत बस उसको मिलेगी हमेशा पीर की दौलत, जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा, जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा,
जो दौलत दुनिया का पुजारी नहीं होगा। ये हजरत अब्बास के बाबा की दुआ है, ख्वाजा का दीवाना तो भिखारी नहीं होगा। चल जाएगी तलवार बुलाऊं काली को, सदियों से जो रहता है वही रहता है, सदियों से जो रहता है वही रहता है, चौदह सदियों से जो रहता है वही रहता है। झांक के देखो जरा काबे के भी तुम अंदर, हाजियों आज भी काबे में अली रहता है। बीबी सकीना सलामुल्लाह इमाम हुसैन की साहबजादी को जब प्यास लगी तो मौला अब्बास से कहा कि बाबा जान मुझे प्यास लगी है। मौला अब्बास फौरन अपने घोड़े पर बैठते हैं, नेरे फुरात की तरफ जैसे बढ़ने जाते हैं तो इमाम हुसैन आवाज देते हैं कि अब्बास कहाँ जा रहे हो। मौला अब्बास कहते हैं कि सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, कहाँ इधर आओ। और जब मौला अब्बास पास में आए तो उनके पास एक तलवार था, वो तलवार इमाम हुसैन ने ले ली। तो जितने सरकार के मुरीदैन थे गुलाम थे वो कहने लगे कि मौला अब्बास अकेला है, 9 लाख का लश्कर है वहां जा रहा है और आपने तलवार भी ले ली। तो इमाम हुसैन क्या कहते हैं तवज्जो के साथ सुन, जब तक अली दिलों में सजाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में सजाया न जाएगा, दुश्मन को तुमसे नीचा दिखाया न जाएगा, दुश्मन को तुमसे नीचा दिखाया न जाएगा, दुश्मन को तुमसे नीचा दिखाया न जाएगा। सूली पे चढ़ के मीसम में तम मारने कहा, सूली पे चढ़ के मीसम में तम मारने कहा, जिक्रे अली किसी से मिटाया न जाएगा, जिक्रे अली किसी से मिटाया न जाएगा। ये सोच कर हुसैन ने तलवार तोड़ दी, 9 लाख
ये सोचकर हुसैन ने तलवार तोड़ दी। 9 लाख से अब्बास संभाला न जाएगा। और आके शोएब भाई भी कह रहे हैं कि यार अनिल भाई जल्दी करो, अली अली पढ़ो, 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 पढ़ो। वो भाई भी कह रहे हैं आओ अली अली पढ़ो। मौला देखो ऐसा है भाई, ये किसी का कसूर होता नहीं है, जहां जिक्र अली होता है वहां शैतान अपना काम करने बराबर आता है। शैतान अपना काम कराने आता है वो इसलिए कि कैसे भी करके अली का जिक्र ना हो। लेकिन मौला अली अली मौला अली अली इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, वो सब गुलाम हैदर कर्रार हो गए।